1 अक्टूबर से ऐसा सुनने में आया है कि आप अपने कौन से फिल्म शुरू करने वाले हैं, क्या तैयारी है, क्या योजना है? अभी पूरा तैयारी है, इनफैक्ट पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है और मेंबर्स को APA पब्लिश कर लिया है, वो लोग फ्रंट एंड भी पूरा हमारा फ्रंट एंड रेडी है और मेंबर्स लार्ज मेंबर्स जो खुद का फ्रंट एंड यूज़ करते हैं वो लोग भी अभी देर सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना चालू कर लिया है। एंड प्रोडक्ट वाइज वी आर रिसर्चिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो इनिशियली हम सोच रहे हैं बेस मेटल्स बुलियन और एनर्जी का चालू करेंगे, बाद में स्लोली वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। वी बिलीव देर आर सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट गैप्स इन एग्जिस्टिंग कमोडिटी एक्सचेंजेस, वी थिंक वी कैन एक्चुअली ब्रिज दोज सम ऑफ दोज गैप्स एंड देन वी रिसर्चिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेटअप कमोडिटीज वेयर वी कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनको लाने में कितना समय और लग जाएगा? Phase 1 तो October 1st होगा, Phase 2 वहाँ से 6 महीने के आसपास में टाइम लगेगा हमारे लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए रिसर्च और रिसर्च बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, यानी अप्रैल मार्च 2019 के आसपास हो जाना चाहिए। जी, उनमें दिक्कत क्या आती है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, इसके चलते वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है? दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेयर हाउसिंग क्वालिटी ऑल दोज इश्यूज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, वेयर हैज इन केस बेस मेटल थिंग्स कैन हैपन मच फास्टर, वेयर हैज इन एग्रीकल्चर थोड़ा आपको वेयर हाउसिंग क्वालिटी इश्यूज, अंडरलाइन मार्केट इतना स्पॉट मार्केट तो फुली डेवलप नहीं है, फ्रैगमेंटेड है, ऑल दोज इश्यूज हैव टू बी सेटल्ड बिफोर वी कैन इंट्रोड्यूस एन इंडिविजुअल कमोडिटी प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो अप्रैल तक हो जाना चाहिए। इसमें किसानों की सहभागिता हो सके इसके लिए क्या तैयारी रहेगी? तो हम किसानों बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ईच कम्युनिटी में सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हु आर वर्किंग विद द फार्मर्स, वो ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहा है और ईच स्पेसिफिक कम्युनिटी ज्योग्राफिकली फोकस्ड है, वहाँ पे किसानों से भी हम बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का इनपुट्स लेंगे और एसोसिएशन का इनपुट लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे वो किसानों को भी यूजफुल रहेगा हेज करने के लिए का प्रोडक्ट जो भी दे आर ग्रोइंग द प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट दे विल गेट द बेटर प्राइस ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर देम टू रियली इंश्योर द बेटर। लेकिन एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ लाने के लिए किसानों को और एक कमोडिटी एक्सचेंज में आकर के अपने प्रोड्यूस को वो बेच सकें या उसकी हेजिंग कर सकें, इसके लिए उन्हें तैयार कर पाने में उन्हें काफ़ी कुछ हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी कुछ सिखाने की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्या तैयारी रहेगी? टाइम तो बहुत लगेगा, इसलिए हम चालू किया है बात करना लोगों से। अभी आई मीन सेम एग्जाम्पल था हमारा जब इक्विटी मार्केट्स चालू किया 94 में, हमारा बहुत सारा अवेयरनेस का टाइम आई मीन लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन टू द अवेयरनेस 94 जस्ट टू गेट ETF मार्केट्स ऑफ फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक एंड सब्सिक्वेंटली डेरिवेटिव्स जब चालू किया है अगेन बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ा हमको, सेम एक्सपीरियंस वी आर गोइंग टू रिपीट इन डेरिवेटिव्स कम्युनिटी डेरिवेटिव्स मार्केट बोथ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, so contact with the grassroots is the critical component here, how do we actually get the grassroots farmers, local mandi players and how do we integrate that into the value chain is what is the focus for us। जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि आपके पास NCDEX भी है जिसमें 15% स्टेक आपका है, वो भी कमोडिटी एक्सचेंज है, आप खुद भी कमोडिटी में सीधे आ रहे हैं अपने तरीका से, तो एक कंफ्लिक्ट क्या वहाँ पर नहीं आएगा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग अगर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में फेयरली स्ट्रॉन्ग है, हम इनिशियली एज सेड स्टार्ट विद नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विद देयर गैप्स, इशू इज हाउ डू वी एक्चुअली प्रोवाइड अ मच ब्रॉडर एरिया ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स एंड मार्केट प्लेयर्स टू हेल्प देयर पोजीशंस, वी डोंट रियली सी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर स्टेक इन NCDEX एंड देयर पार्टिसिपेशन कम्युनिटीज मार्केट, देयर इज फेयर बहुत सारा स्पेस है, वो स्टेक NCDEX में बना रहेगा और आप वो सोचेंगे एज वी गो फॉरवर्ड टू फिगर आउट एज ऑफ नाउ स्टेक ऐसे ही रहेगा। और कुछ अटकलें ये भी हैं कि आप NCDEX के साथ मर्जर की भी सोच रहे हैं, ऐसा ये सच है कुछ इसमें या स्पेकुलेशन है? मार्केट में स्पेकुलेशन अच्छा है, न्यूज़ में स्पेकुलेशन अच्छा नहीं है। कई बार ये होता है कि स्पेकुलेशन लास्ट डे तक बोला जाता रहता है और उसके बाद अगले दिन डी साइन हो जाती है, स्पेकुलेशन है और क्या करते हैं आप, इसे डिनाई कर रहे हैं या स्पेकुलेशन कह रहे हैं? स्पेकुलेशन
डिनाई नहीं कर रहे हैं, स्पेकुलेशन के बारे में हम बात नहीं करते। अच्छा, मार्केट शेयर आप कैसे लेंगे इसमें, क्योंकि जैसे एमसेक्स जो है खास करके जो नॉन एग्री कमोडिटीज में डेरिवेटिव वाला पार्ट है, वहाँ 90% उनका मार्केट शेयर अभी चल रहा है। तो जब इस तरह का एक इकोसिस्टम बन जाता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो आप इक्विटी फ्यूचर्स में खुद आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसा ही इकोसिस्टम कहीं और बना हुआ है, कमोडिटी में अगर बना हुआ है तो उसको पेनेट्रेट करने में बहुत मुश्किल आएगी, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वन, अवेयरनेस इज वन, आर पेनेट्रेशन, आर नेटवर्क इज मच लार्जर डीपर कंपेयर टू एनी अदर एक्सचेंज इन अवर कंट्री, सो वी आर एबिलिटी टू रीच आउट टू, वी हैव बिल्ट मार्केट्स ऑन द बेसिक अवेयरनेस एंड वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन दैट वी आर एबल टू, वी विल बी एबल टू रिपीट दैट feat in terms of what we have done in equity markets, in derivatives market, comprehensive derivatives markets also. So for that, whatever it takes, we will do. And again, as I said, the market is wide. As of now, existing commodities exchanges are addressing a part of the commodities market. As Mr. Gurd mentioned in his speech also, there is huge number of things to be done in commodities market, and there is space for everybody. Thanks. 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 Thanks.